अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं? और मेरे साथ राजन भाई हैं जो कि कल रात में ही आए हैं। इन्होंने एयरपोर्ट पे भी वीडियो नहीं बनवाया था, अभी भी नहीं बनवाएंगे, ठीक है? तो फिलहाल कहना ये है कि ये 35 वाले पैकेज में थे, लेकिन जब मैंने इनको टैक्सी वाले में कहा तो इन्होंने फ़ौरन हामी भर दी। और इन्होंने इतना जिद किया कि ना खुद सोए और ना मुझे सोने दिया, ठीक है? सही से हम लोग सोए भी नहीं। तो ये मेरे पीछे जो है DTC जो टैक्सी की मेन जो ऑफिस है दुबई टैक्सी की, उसका ऑफिस है, ठीक है? तो मैं इनको लेके आया हूँ। और जितने भी लोग टैक्सी ड्राइविंग की जॉब करना चाहते हैं दुबई में, मैं आपको बता दूँ, वीज़ा ये फ्री दे रही है, ठीक है? वीज़े का कोई चार्ज नहीं है, कोई HR नहीं है, कोई कंसल्टेंसी नहीं है, कुछ नहीं है। आपको सीधा आना है, यहाँ विज़िट करना है, आपको सारा अपडेट मिल जाएगा कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है? तो जितने लोग भी मेरे पैकेज में हैं 35 वाले, लोकेशन देख लो, ठीक है? ये दुबई में आप किसी से भी पूछोगे दुबई DTC का ऑफिस किधर है, तो टैक्सी वाला आपको लाके यहाँ छोड़ देगा, ठीक है? उसके बाद रिसेप्शन पे जाए, रिसेप्शन पे जाके बातचीत करें उनसे, कह दो भाई मैं जॉब करना चाहता हूँ, इसके लिए क्या क्या चीज़ है ये डिमांड करते। मैं बता दूँ आपको कि इंडिया का चिपड़ा लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम 5 साल पुराना, ठीक है? आप जब यहाँ पे आएंगे तो एक टेस्ट होगा कंप्यूटर पे, वो टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, तकरीबन 250 दिरहम का वो टेस्ट होता है, उसमें नंबर आता है 60%, ठीक है? तो उसमें इंग्लिश का क्वेश्चन रहता है, वो क्वेश्चन इसलिए रहता है कि ये देखना चाहते हैं कि आपको इंग्लिश समझ में आती है कि नहीं है, ठीक है? कम से कम 60, अगर मान लो एक बार फेल हो गए फिर 250 दिरहम दो, फिर एग्ज़ाम दो, फिर फेल हो गए फिर दो, मतलब जब तक आप पास ना हो जाए 250 दिरहम देते रहो, एग्ज़ाम पास कर लो, जब वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाए उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस ये बढ़ेगा, ठीक है मेरे भाई? तो ये देख लो। और वही 35% जो भी आप कमाएंगे उसमें से आपको मिलेगा, ठीक है सर? ये रही दुबई टैक्सी की, जिसको दुबई टैक्सी में जॉब करना है वो आए यहाँ विज़िट करे। और अगर आप डायरेक्ट नहीं करा सकते हैं, ठीक है, तो उसके बाद कुछ इनके कॉन्ट्रैक्टर हैं जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं आपको उनके पास रिफ़र कर दूँगा, वो आपसे सर्विस चार्ज लेंगे लेकिन आपका काम करवा देंगे, ठीक है? तो पहले खुद ट्राई करो, डायरेक्ट हो गया हो जाएगा, 100% हो जाएगा, अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर काबू रखेंगे, अपना घबराएंगे नहीं, ठीक है? लोग होता है घबराहट में ही अपना काम ख़राब करते हैं बस, ठीक है? अगर आप घबराएंगे नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, एकदम दिमाग ठंडा करके कंप्यूटर का वो जो टेस्ट होता है उसको दो, अगर फिर भी नहीं हो पा रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए हैं, मैं बता दूंगा, उनसे जाओ मिलो, ठीक है? जो भी बात करनी है खुद डील करो, खुद बात करो, खुद समझो अच्छा है ख़राब है, करना है नहीं करना है, वो आप जानो और कंपनी जाने, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ठीक है? मेरा काम है सही जगह तक आपको रिफ़र कर देना, मैं कर दूंगा, चाहे डायरेक्ट वाला हो चाहे इनडायरेक्ट वाला हो, ठीक है मेरे भाई? क्योंकि देखो, मैं जब कभी रिफ़र करता हूँ किसी को तो कंपनी का पास्ट में क्या रिजल्ट रहा है वो देख के, प्रेजेंट टाइम में, फ्यूचर में क्या किस कंपनी के साथ होगा मुझे नहीं पता, कौन सी कंपनी तरक्की करेगी, कौन सी कंपनी डूब जाएगी मुझे नहीं मालूम, ठीक है? मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ, कल को मर जाऊँ मुझे क्या पता, ठीक है मेरे भाई? तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दी है, तो देख लो। ये है लोकेशन और बस भी आती है यहाँ पे, ठीक है? जिसको भी आना है आए डायरेक्ट विज़िट करें, ठीक है? इसमें किसी का कोई रोल नहीं है, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है, किसी की कोई सिफारिश नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस अगर है तो आओ अप्लाई करो, हो जाएगा, ठीक है? किसी मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई?